हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं साहब? हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कीजिए सभी लोग, क्विकली ज्वाइन इन द सेशन, शेयर द वीडियो ऑल ऑफ यू। क्विकली ज्वाइन इन द सेशन ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग सबसे पहले सेशन ज्वाइन इन कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। एंड आई कैन सी वेरी फ्यू पीपल राइट नाउ। सुधीर, ऑलराइट, क्विकली ज्वाइन इन ऑल ऑफ यू। चलिए, तो सेशन के अंदर रेगुलर सेशन है, जिसके अंदर हम लोग आज पहले न्यूज इवेंट्स डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स जितने भी रहे हैं पिछले दिनों के, वो सारे क्वेश्चन फॉर्म में और साथ ही साथ उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। और आज का स्टैटिक जीके जो है वो इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स या इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये सेशन किसके लिए हेल्पफुल है? आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीटेट, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो आप आसानी से सेशन शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के साथ। श्वेता, आयुष, श्रेया, कार्तिक, मनु, सागर, वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए, कल मेरा एग्जाम है, फिर भी मैं आप लोगों का टास्क ले रही हूँ, एंड यू ऑल आर नॉट शेयरिंग द सेशन। दिस इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। जल्दी से करिए, और ज्यादा लाइव व्यूअर्स होने चाहिए। शालिनी, आई एम ऑल गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल राइट, तो शुरू करें फिर सेशन। शैल वी बिगिन? ऑल रेडी? सब तैयार है सेशन के लिए? सब तैयार है? गुड इवनिंग अंतिमा, वेलकम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक हैज बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस शहर के अंदर है? मेरा एग्जाम तो मास्टर्स का है, फाइनल ईयर एग्जाम। चलिए, तो क्वेश्चन पहले वाले का, और वो है भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक स्थापित किया गया है हाल ही में, कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेयर हैज इट बीन सेट अप? कौन से शहर में स्थापित किया गया है? अंगद, श्रेया, मनु, गुड इवनिंग प्रियंका, शालिनी। चलिए, तो आंसर क्या होगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा? हार्ट फेलियर बायो बैंक, अबीर, मोहन, ऑप्शन डी, ध्रुव, गुड इवनिंग। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जाता है सबका। तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर, बिल्कुल सही। तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक। वहां पर भी कहां पर सेटअप किया गया है? वहां पे एक यूनिवर्स, एक सेंटर है, इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, जिसे जिसका नाम है श्री चित्रा ट्रायर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST, श्री चित्रा ट्रायर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये केरल में है और यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। कौन स्थापित कर रहा है? नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस, दैट इज KRHF के द्वारा ये स्थापित किया जाने वाला है। नेक्स्ट, केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, अब ये तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से शेयर कीजिए, एक तो सेशन शेयर कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है केरल का? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ केरला? क्विक आंसर ऑल ऑफ यू, जल्दी से। केरला के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, ठीक है, गवर्नर या राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान करंटली राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? पी
विजयन जी. सो पिनाराई विजयन इज द करंट चीफ मिनिस्टर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, आरबीआई के अनुसार 2021-22 वित्तीय वर्ष, 22 जिसे कह सकते हैं, उसमें भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितना है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी विकास दर कितनी है एज पर द रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ आरबीआई. आरबीआई के अनुसार हाल ही में जो बाय मंथली पॉलिसी रिलीज की गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके हिसाब से हु इज एमके स्टालिन बच्चा उधर के हैं, तमिलनाडु के. कंफ्यूज यहां भी हो गए आप सब लोग, यहां पर कंफ्यूजन हो गया. ऑप्शन बी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन. पिनाराई विजयन केरला के, और हम लोग केरल की बात कर रहे थे. कंफ्यूजन इतना सा बताइए. अब अभी ध्रुव, हिमांशु, सूरज, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ना ऑप्शन ए है ना ऑप्शन सी है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है जीडीपी ग्रोथ रेट. जीडीपी दर उतना ही है, दैट इज 9.5% 2021-22 के लिए. नाउ आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई है बाय मंथली, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसके बारे में पहले देखते हैं. तो कमिटी के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं और उसमें कौन कौन सदस्य है? अगर आप लोगों को नाम याद है सदस्य के, यू आर मोस्ट वेलकम टू आंसर. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का कितने मेंबर होते हैं, अध्यक्ष कौन है, और सदस्य अगर नाम याद है तो यू आर मोस्ट वेलकम. ध्रुव, राहुल, 15 और 6 में कंफ्यूजन. चेतन सबको लेके चले गए फिर तमिलनाडु. हाँ, शालिनी, दुबे, चेतन, ठीक है, 6 मेंबर बिल्कुल सही आंसर है. कुल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई अपॉइंट करता है और 3 वित्तीय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. अध्यक्ष कौन होता है? जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे. आरबीआई के गवर्नर, देखो दो तरीके से ऑप्शन आ सकता है. एक ऑप्शन आ सकता है कि आरबीआई का गवर्नर, और दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि नाम पूछे. तो आरबीआई के गवर्नर और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान में गवर्नर है. तो शक्तिकांत दास जी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयर थे, और वैसे जो भी आरबीआई के गवर्नर है वही चेयरपर्सन होते हैं. बाकी मेंबर कौन कौन है तो वो देखते हैं. दैट इज, इसके अलावा डॉक्टर माइकल देवप्रता, पत्र, और इसके माइकल देवप्रता पत्र, और इसके अलावा मृदुल के सागर, नाउ माइकल देवव्रत पत्रा जो है ये डेप्यूटी गवर्नर है. एक्सक्यूज मी, तो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, और मृदुल के सागर वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ आरबीआई. इसके अलावा प्रोफेसर आशिमा गोयल, डॉक्टर शशांक भिड़े, और लास्ट पर्सन इज जयंत आर वर्मा. ये 3 जो है इन्हें सरकार ने अपॉइंट किया है, ठीक है. चलिए अब आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने जो इस बार रिपोर्ट जारी करी उसके हिसाब से रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर और SLR, ये कितने पे रखी गई है? व्हाट आर द रेट्स राइट नाउ, क्या रेट है इन सब की? जल्दी से, अबीर, दुबे, शिवानी, अमीश, गुड इवनिंग, चलिए चंद्रेश, हाँ बिल्कुल वही है. चलिए आंसर जल्दी से करें, क्या दर
रहा है, इस बार मॉनेटरी पॉलिसी रिवीजन जब हुआ तो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर कितना रखा गया? अंशु, वशिष्ठ और 2.5, 3.5, बड़ा रैंडम आंसर आ रहे हैं आज। कोई आज रिवाइज करके नहीं आया है या याद नहीं है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिवाइज करके कोई चेंज नहीं किया गया, तो रेपो रेट पहले भी 4% था, अभी भी 4% है। रिवर्स रेपो रेट पहले भी 3.35% था, अभी भी 3.35% है। बैंक रेट पहले भी 4.25% था, अभी भी उतना ही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वही 4.25%, पहले भी और अभी भी। सीआरआर 4% और एसएलआर 18% रखा गया है। दीज आर द रेट्स जो अभी हाल ही की रिवाइज करके रखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद अगला आता है, हाल ही में जारी आरबीआई की द्विमासिक नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर कितना है, यानी इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दर कितना है एज पर द रीसेंट रिपोर्ट, और सरकार ने टारगेट कितना दिया है आरबीआई को कि मुद्रास्फीति इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए? श्वेता, सा, शालिनी, सूरज, बाकी सबके आंसर्स कहाँ हैं? जल्दी से, मुद्रास्फीति दर और सरकार के द्वारा क्या लक्ष्य दिया गया है कि इतना रखना है इसको? शिवानी, ये क्लास शुरू होता है 9 बजे, मंडे से सैटरडे, सोमवार से शनिवार 9 बजे होती है ये क्लास। फेमस ग्रुप, शालिनी, सागर, ध्रुव, शालिनी, महेश, ऑल राइट, काफी आंसर्स आए हैं। जिन भी बच्चों ने 5.7% बोला है, बिल्कुल सही, इस बार का दर 5.7% है। टारगेट कितना रखा है? 4% ± 2%, 4% ±2%, यानी कि मिनिमम 2% और अधिकतम 6% रह सकता है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। और ये पिछली बार से बढ़ गई है, पिछली बार थी 5.1%, वहां से बढ़ के अब 5.7% हो गई है, यानी कि मुद्रास्फीति हो रही है, भारत में इन्फ्लेशन हो रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जी सैप जिसको बोलते हैं, ये अगस्त में भी किया जाएगा, अगस्त 2021 में, तो कितने अमाउंट का किया जाएगा? ये बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी पूछा जा सकता है, तो जल्दी से आंसर करो कि कितना जी सैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा अगस्त 2021 में, कितने तक का? जल्दी से आंसर एंड शेयर भी करो बच्चे सेशन को, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। चलिए आंसर इसका क्या होगा, 2 GSAP कराए जाएंगे और दोनों 25,000 करोड़ ईच, यानी कुल 50,000 करोड़ का GSAP अगस्त 2021 में कराया जाएगा, 2 25,000 ईच के कराए जाएंगे, ठीक है। रैंडम नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी, यानी ICOT 2021, हाल ही में इनमें से किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? इनमें से किसने ICOT 2021 का आयोजन किया है? किसने ऑर्गेनाइज किया ICOT, इनमें से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये सभी एग्जाम के लिए है, जिस भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ये वाला सेक्शन आता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन हेल्पफुल है। तो आप चाहे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, मर्चेंट नेवी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हेल्पफुल। अरयन, तमीर, सागर, कोमल, हिमांशु, ऑलराइट, वी हैव आंसर्स फॉर एनपीसीआई मोस्ट ऑफ यू, एंड व्हाई आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा एनपीसीआई क्यों है। नाउ ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी है, रेंज किसकी बात की गई थी? इसके अंदर डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी रेंज, उनको डेवलप
डेवलप और कराने के लिए ये आईपॉड 2021 आयोजित किया गया। और ये किसने आयोजित करा? डीआरडीओ। डीआरडीओ का एक इंस्टीट्यूट है आईटीआर जो चांदीपुर में है, आईटीआर जो चांदीपुर में है, जिसने इसे आयोजित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि इसका उद्घाटन किसने किया। इसका एक हिंट है और वो है कि डीआरडीओ के जो चेयरपर्सन जो है डीआरडीओ के, उन्होंने इसका आयोजन किया या इनॉग्रेशन किया। किसने उद्घाटन किया फिर, कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया? इससे बड़ा हिंट नहीं हो सकता, तो जल्दी से आंसर। चांदीपुर उड़ीसा में है, बिल्कुल राहुल लोग बिल्कुल सही। जी सतीश रेड्डी, राहुल बिल्कुल सही, दैट इज जी सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजनाथ सिंह जी डिफेंस मंत्री हैं, ही इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? चलिए ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया, अब ये तो भूल ही नहीं सकते, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी लोग कि स्वर्ण पदक भारत के लिए नीरज चोपड़ा इनमें से किसके अंदर लेके आए हैं? राहुल, सागर, कोमल, नमन, ध्रुव, त्रिलोक, दुबे, ध्रुव, अरयंत। चलिए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, जैवलिन थ्रो के अंदर, ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक लेके आए हैं भारत के लिए। कितने डिस्टेंस या कितने दूर तक इन्होंने भाला फेंका था? और गोल्ड अभी तक भारत के पास ओलंपिक में कितने आए हैं? अभी तक भारत के पास ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितनी बार आए हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना। 87.58, ध्रुव, त्रिलोक, दो आंसर आए हैं। 87.58 मीटर्स, बिल्कुल सही। 87.58 मीटर्स हरियाणा के हैं, बिल्कुल सही। और ओलंपिक कितनी, ओलंपिक में गोल्ड कितनी बार आया है? ऑल राइट, 10 बार, 2 बार गोल्ड आया बच्चा, सिर्फ 2 बार अभी तक हमें स्वर्ण पदक मिला है। इससे पहले कौन लेके आए थे? दैट वाज अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा इज द ओनली सेकंड पर्सन जो गोल्ड लेके आए हैं भारत के लिए। वो कब लेके आए थे? 2008 का जो समर ओलंपिक था, 2008 में ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, बीजिंग चाइना में आयोजित हुए थे, उसके अंदर लेके आए थे। किसमें लाए थे? एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल यानी कि शूटिंग में लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा जी 2008 में। ठीक है शालिनी, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, आज चलेगा। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला है, किसके नाम पर रख दिया है अब इसे? जल्दी से, एयर राइफल, सागर, रोली, अंतिमा, इंडिविजुअल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हॉकी इज अ टीम स्पोर्ट, इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ दो ही इकलौते इंसान है जो लेके आए हैं। सबका आंसर मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल, जितने भी लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल सही, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है अभी। ये पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन गया है, ये कब स्थापित हुआ था? देखिए ये आपको थ्योरी सेशन में कराया है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां पर हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, और उनको किस नाम से बुलाया जाता है या उनका निकनेम क्या है, उपनाम क्या है? और अगर आप लोगों को याद है कि ये खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, तो उसका आंसर भी निकनेम।
नेम मैजिशियन, मिलता जुलता सा नाम है चेतन। 1992, 92, 92, सबका आंसर 92, बिल्कुल सही। 1991, 92 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। पहली बार किसको गया था? विश्वनाथ आनंद जी को। विश्वनाथ आनंद जी को ये पुरस्कार पहली बार गया था। द मैजिशियन ऑफ हॉकी, एक्चुअली अगर हम लोग एग्जैक्ट वर्ड देखें तो द विजर्ड है इनका नाम, द विजर्ड, जादूगर के नाम से जानते हैं, तो उसे मैजिशियन में कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इंग्लिश में द विजर्ड है, हिंदी में जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलाहाबाद, दैट इज राइट, अलाहाबाद का जन्म था इनका, अलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ओलंपिक टीम लीड करी थी जो गोल्ड मेडल लेके आई 3 बार, कौन कौन से वर्ष में? 1928 में इन्होंने लीड किया था, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक, ठीक है? तो ओलंपिक टीम इन 3 वर्ष में गोल्ड लेके आई अंडर मेजर ध्यानचंद जी। नेक्स्ट, ZSI, जूलॉजिकल, ZSI या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके नए निदेशक का नाम क्या है? हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ ZSI? ऑलराइट, वी हैव समवन फ्रॉम अलाहाबाद, दैट इज ब्यूटिफुल, दो आई हैव नेवर बीन टू द प्लेस बट आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वन। राहुल, श्वेता, बाकी सबके आंसर कहाँ है बच्चे? एक तो वीडियो शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, मोर एंड मोर पीपल शुड बी देयर इन द सेशन। और दूसरी चीज, एक्टिव रहे सेशन में। अंतिमा, अबीर, मोहन, राहुल, अबीर, फेमस ग्रुप स्टेटस, और लॉट ऑफ आंसर्स काफी सारे हैं। धृति बैनर्जी, दैट इज राइट, धृति बैनर्जी या डॉक्टर धृति बैनर्जी, ये पहली बार है, फर्स्ट वुमन है जिन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया है, पहली महिला निदेशक अपॉइंट की गई है ZSI के अंदर। इससे पहले कोई महिला निदेशक के तौर पे ZSI में नहीं अपॉइंट हुई। ZSI के मुख्यालय कहाँ पर है? ZSI कहाँ पर शुरू किया गया था और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो ZSI कब स्थापित किया गया था, कौन से मंत्रालय के अंदर है, इसका मुख्यालय कहां पर है? 1916 में कलकत्ता के अंदर या कैलकटा के अंदर, बिल्कुल सही, कैलकटा के अंदर इसके मुख्यालय है, कोलकाता जिसे कह सकते हैं, कोलकाता, कोलकाता बोलते हैं, पहले कैलकटा था। शुरू कब हुआ था? 1916 के अंदर, तो ये मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 105 साल में आज तक कभी महिला निदेशक नहीं रही है, पहली महिला निदेशक बनी है। और इसके बाद ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, या चेतन हैज अ गेस, फॉरेस्ट्री, बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अधीन ये आता है, 16 रीजनल सेंटर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, बजरंग पूनिया जी ने किस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करके टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आए हैं या ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं? बजरंग पूनिया जी इनमें से किस कैटेगरी में कांस्य पदक लेके आए हैं टोक्यो ओलंपिक में? किस खेल के साथ जुड़े हैं ये? सागर, चेतन, महेश, ध्रुव, फर्स्ट सीजीआई भी बनेंगी राहुल, जल्दी बनेंगी, मे बी, लेट्स होप कि जल्द ही बने। सागर, अबीर, प्रियांशु, चेतन, दुबे, ऑलराइट, ऑप्शन ए, मोस्ट आर ऑप्शन ए, एंड दैट इज द राइट। 65 किलो की कैटेगरी में, और ये कौन से खेल से है? रेसलिंग के अंदर, तो रेसलिंग में 65 किलोग्राम, 65 kg की कैटेगरी में कांस्य पदक लेके आए हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष भारत में किस दिन मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे भारत में प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? एनुअल फेस्टिवल है, एनुअल डे है, कब मनाया जाता है? चले जल्दी से,
हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? अगर देखिए दो कैटेगरी होती हैं ओलंपिक में, एक होता है इंडिविजुअल गोल्ड, इंडिविजुअल गोल्ड या गोल्ड यानी कि एक ही इंसान लेके आया है, सिंगल्स इवेंट है, और एक होता है टीम स्पोर्ट। तो हॉकी जो है वो टीम स्पोर्ट है, हॉकी के अंदर हम गोल्ड लेके आए हैं, लेकिन वो टीम वाली कैटेगरी में आता है, राइट? ध्रुव, राहुल, श्वेता, त्रिलोक, ऑलराइट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए आंसर इसका होने वाला है 7 अगस्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। अब ये कब शुरू हुआ था, इसकी घोषणा कब की गई थी और इसका महत्व क्या है? अगर हम लोग हमारे इतिहास में देखें तो इसका महत्व किस दिन से जुड़ा हुआ है? देवेंदु, आई एम ऑल गुड, थैंक यू। हाउ इज योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन, कैसी चल रही है ट्रेनिंग? लवलीना 69 kg के कैटेगरी में लेके आई है, बिल्कुल। चलिए आंसर इस वाले का जल्दी से। नहीं, लोग 2016, 2016 से थोड़ा सा पहला, 2015 में इसे अनाउंस किया गया था। इस बार 7वीं बार सेलिब्रेट हो रहा है और इसका महत्व किससे जुड़ा है? स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा इतिहास में, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इसी दिन लॉन्च किया गया था कलकत्ता के अंदर। कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट आया था 1905 के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कब आया था, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त को अनाउंस किया गया, इसीलिए हैंडलूम डे भी 7 अगस्त को ही हम लोग मनाते हैं, राइट? नेक्स्ट, भारत छोड़ो दिवस, क्विट इंडिया डे, एक वार्षिक उत्सव है, हर साल इनमें से किस दिन पे मनाया जाता है? क्विट इंडिया डे, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति डे भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति दिवस, अगस्त क्रांति डे, अगस्त क्रांति दिवस। दैट्स ब्यूटिफुल देवेंदु, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। आसिफ, लोकनाथ, महेश, 8 अगस्त, 6 अगस्त, 8 और 6 अगस्त में बड़ा कंफ्यूजन सा चल रहा है। जिन भी बच्चों का सिग्निफिकेंस 8 के साथ है, बिल्कुल सही, 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस या अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट आंदोलन शुरू किया गया था। इस बार कौन सी एनिवर्सरी है? 79th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट की, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था, कौन से ईयर में आया था? 1942, बिल्कुल सही श्वेता, 1942 में ये मूवमेंट आया था। चलिए अगस्त 2021 में कौन सा देश आपदा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, गठबंधन का एक सदस्य बना है? अगस्त 2021 में इनमें से कौन सा देश है जिसने CDRI आपदा रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन का सदस्य बना है? सनी, ध्रुव, चेतन, सागर, त्रिलोक, सनी, श्वेता, मोहन, और देव आंसर्स फॉर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मोस्टली सबका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि पहली बार बोथ वाला है ऑप्शन दिखा है और वो बिल्कुल सही भी है। बांग्लादेश और कनाडा दोनों देशों ने हाल ही में इसे ज्वाइन किया है। अब यहाँ से CDRI से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, जैसे कि CDRI किस देश या संगठन के द्वारा शुरू किया गया, CDRI के मुख्यालय कहाँ पर है, CDRI कब स्थापित किया गया था, यहाँ पे वर्ष बताना है किस वर्ष में हुआ था, कुल कितने देश हैं जो इसके सदस्य हैं, और डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन है CDRI के? लोकनाथ, प्रियांशु, दुबे, चलिए बाकी सबके आंसर कहाँ हैं जल्दी से।
All right, quickly answer all of you. इंडिया के द्वारा, ऑल राइट, वी हैव आंसर्स. इंडिया के द्वारा शुरू किया गया, दैट इज राइट. भारत ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया था 2019 के अंदर. 2019 के अंदर यूएन क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था, उसके अंदर भारत ने इसे शुरू किया था. ना, सीडीआरआई के मुख्यालय कहाँ पर है? भारत ने शुरू किया तो उन्होंने मुख्यालय भी भारत में ही है, दैट इज नई दिल्ली के अंदर. कुल कितने देश मेंबर हैं? तो अब सीडीआरआई के अंदर 25 देश हैं जो मेंबर हैं, और साथ ही साथ 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो इसका मेंबर है. 25 देश, 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो इसका मेंबर है. सीडीआरआई के महानिदेशक कौन है? दैट इज संदीप पौंद्रिक. संदीप पौंद्रिक इसके महानिदेशक है. यहां तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? किसी को भी कोई भी डाउट है? ऑल राइट. तो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट हो गई हैं, तो अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा स्टैटिक सेक्शन. स्टैटिक में आज का टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. जो भी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैं, खोज हुई हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं. पौंड्रिक, सरनेम इज PONDRIK, पौंड्रिक. ठीक है, चलिए तो अब जीके शुरू करते हैं हमारा. जीके का पहला क्वेश्चन है आज कि एलसीडी, सब लोगों के घर में एलसीडी एलईडी टीवीज हैं, तो एलसीडी का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी? किसके द्वारा एलसीडी की खोज की गई थी? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे. चंद्रेश, मुझे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, एक क्वेश्चन दिखा ध्रुव, वो मैंने बता दिया. ध्रुव वो स्टार्टिंग में बताया था PONDRIK के, पौंड्रिक दैट इज द सरनेम, वो सरनेम है. ध्रुव, सागर, महेश, ध्रुव, मोहन. ऑल राइट, ऑल राइट, वी हैव लॉट ऑफ आंसर्स. CERI, CERI नहीं था, वो CDRI था पहले तो. वो CDRI था, और CDRI का फुल फॉर्म है कोएलिशन CDRI. ऑल राइट, जस्ट लेट मी चेंज द इंक कलर एक बार. CDRI का फुल फॉर्म वैसे उस क्वेश्चन में लिखा था, दैट इज कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये CDRI का फुल फॉर्म था. आंसर इसका है ऑप्शन टू, हॉफमैन लारोश इज द वन जिन्होंने एलसीडी की खोज करी थी. कब करी थी? 1979 में इसकी खोज की गई थी. अगला सवाल है कि यूरेनस प्लैनेट की खोज किसने करी थी? यूरेनस ग्रह की खोज इनमें से किसने करी थी, या सबसे पहले किसने ढूंढा था यूरेनस को? पहला प्लैनेट था ये, पहला ग्रह था जो हम लोगों ने ढूंढा था यूरेनस नाम से, ये किसने खोज करी थी? नहीं, CDRI की हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली एज फार एज आई हैव सीन, बट आई कंफर्म इट वंस अगेन, और अगर कोई चेंज होगा तो आई टेल यू इन द ग्रुप, है ना? अबीर, आसिफ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ज्यादातर सबका आंसर ऑप्शन बी है. आप जो CDRI की बात कर रहे हैं, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट CERI, जो एक रिसर्च सेंटर है. रिसर्च सेंटर अलग है, और CDRI जो कोएलिशन है वो अलग है. आई गेस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दैट. जिसकी आप लखनऊ की बात कर रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूट है, और ये जो है दैट इज अ
एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन बी ज्यादातर सबका आंसर है, आंसर इसका ऑप्शन सी है, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल जो है उन्होंने यूरेनस की खोज करी थी 1781 में, और ये पहला प्लैनेट था, फर्स्ट प्लैनेट, पहला ग्रह था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, पहला व्यावहारिक ट्रांसफॉर्मर, और गूगल ट्रांसलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, पहला प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसका इस्तेमाल किया जा सके, वो सबसे पहले किसने बनाया था? ऑल राइट हरेंद्र, यू आर ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द डे, आई हैव वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। चलिए आंसर क्वेश्चन का, महेश, तिलोक, अंकुर, अंतिमा और रणवीर, आंसर्स फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। आंसर इज गोइंग टू बी विलियम स्टैनली ऑप्शन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे लगा था। विलियम स्टैनली इज द वन जिन्होंने इसकी खोज करी थी, पहला प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इन्होंने बनाया था। टेलीग्राफ फोन किसने तैयार किया था? टेलीग्राफ फोन सबसे पहले किसने बनाया था जिससे रिकॉर्ड भी किया जा सके और बाद में साउंड रीप्ले भी किया जा सके, वो होता है टेलीग्राफो। और इसकी खोज किसने करी थी? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी और फिर दोबारा उसको प्ले भी किया जा सकता था। जल्दी से आंसर, इतने कम बच्चे, व्हाई डोंट वी हैव मोर व्यूअर्स, हाँ शेयर नहीं करते सेशन को, इतनी मेहनत लगती है सेशन बनाने में, क्लास लाइक एग्जाम के बीच में आई एम टेकिंग योर क्लासेस और उसके बाद आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं सेशन को, दैट्स नॉट फेयर। अरयंत, श्याम सुंदर, श्वेता, ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स एंड आंसर इसका व्लादिमीर पॉलसेन है, ही इज द वन जिन्होंने टेलीग्राफ फोन डेवलप किया था, तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला तरल ईंधन वाले रॉकेट बनाने का श्रेय दिया जाता है? पहला लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट, पहला दुनिया का पहला रॉकेट जो तरल ईंधन से चले, लिक्विड फ्यूल से चले, पहला रॉकेट किसने तैयार किया था जो लिक्विड फ्यूल से चले? आकाश, यू ऑल्सो हैव योर बर्थडे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस यू, यू मे हैव अ वंडरफुल डे। ऑप्शन फोर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ज्यादातर सबका आंसर ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज है, वेर एज जहां पे आंसर होना चाहिए वहां किसी का भी नहीं है। रॉबर्ट हचिंग्स गॉडार्ड इज द वन जिन्होंने ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट तैयार किया था और ये 1926 में किया गया था। इनमें से किसने कैमरे के साथ रोल्ड फोटोग्राफी फिल्म का आविष्कार किया? कैमरे में आजकल मतलब पहले वाले जो कैमरे होते थे उनके अंदर एक फिल्म आती थी जिसमें जो एक रोल्ड फिल्म डाली जाती थी, इसको नेगेटिव भी बोलते थे, तो इस तरीके के डिवाइस का खोज किसने करी थी? कोडक का कैमरा होता था, दैट वाज द फर्स्ट वन, तो कोडक कैमरा किसने बनाया था अगर ये बता सकते हैं तो भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आंसर फॉर दिस, अबीर, आशुतोष, महेश, लोकनाथ, अबीर, जल्दी बाकी सबके आंसर कहाँ है? कोडक का कैमरा और इस तरीके का कैमरा दोनों के दोनों कोडक के फाउंडर ने किया था। कोडक के फाउंडर थे जॉर्ज ईस्टमैन, कोडक के फाउंडर थे। इफ यू पीपल रिमेम्बर, कोडक का कैमरा वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम, तो कोडक के कैमरे के फाउंडर भी यही थे और इन्होंने ही इस तरीके का कैमरा बनाया था। बारोग्राफ किसने बनाया था? हु वॉज द वन हु इन्वेंटेड बारोग्राफ? बारोग्राफ किसने बनाया था? आनंद, अबीर, अंतिमा, श्वेता, बाकी सबके आंसर कहाँ? व्हाई डू हैव सो लेस आंसर्स? जल्दी से,
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अलेक्जेंडर कमिंग ऑप्शन 3। अलेक्जेंडर कमिंग है जिन्होंने बारोग्राफ बनाया था, बहुत ही जाने माने स्कॉटिश वॉचमेकर थे। वैन ल्यूएन हॉक ने इनमें से किसकी खोज करी थी? वैन ल्यूएन हॉक ने इनमें से किसकी खोज करी थी? नाइन्थ की बायो का क्वेश्चन है ये, नाइन्थ की बायो का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन, है क्या ये? बारोग्राफ क्या है? बारोग्राफ इज एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है। एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए बारोग्राफ का इस्तेमाल होता है। वायरस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लोकनाथ, नमन, श्वेता, चंद्रे, श्याम सुंदर, ध्रुव। वंडरफुल, लॉट ऑफ आंसर्स। और इसका सही आंसर है कि इन्होंने डिस्कवरी करी थी प्रोटोजोआ की, और साथ ही साथ ही हैड आल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड एनिमल्स की डिस्कवरी करी थी, वायरस की नहीं। तो इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कैपिलरीज जो होती है ब्लड में, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज, उनकी भी खोज इन्होंने ही करी थी। नेक्स्ट, लॉगरिथम्स किसने डिस्कवर करे थे? लॉगरिथम्स इनमें से किसके द्वारा? लॉग टेबल सबने देखी होगी, तो लॉगरिथम्स डिस्कवर किसने करी थी? प्रेशर की यूनिट भी बार है, बिल्कुल सही, यू कैन रिमेम्बर दैट वेज कि बार इज द प्रेशर मेजरिंग यूनिट और बारोग्राफ उसी को मेजर करता है। चलिए, लॉगरिथम्स किसने डिस्कवर करे थे? नमन, एनी मैथ स्टूडेंट, फिजिक्स स्टूडेंट, साइंस, बीटेक, इतने सारे बच्चे हैं फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। सागर, ध्रुव, महेश, सुदीप, ऑप्शन वन, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, जॉन नेपियर इज द वन। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम्स डिस्कवर करे थे। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है? फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, विश्वम पांडे, अभी अंतिमा, लोकनाथ, विवांसर्स, बाकी चंद्रेश, बाकी सब आंसर्स। फेमस ग्रुप, विश्व शंकर, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए, 3 वाला बिल्कुल सही है, नरेंद्र सिंह कपाने इज द वन। तो महेश दुबे, बिल्कुल सही आंसर है, नरेंद्र सिंह कपाने इज द वन जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी? चलिए, ये तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खोज किसने करी? किनका नाम लिया जाता है? थॉमस एडिसन। ही इज द वन जिसने बल्ब इन्वेस्ट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसका क्रेडिट बेंजामिन फ्रैंकलिन जी को जाता है। काइट एक्सपेरिमेंट का सुना होगा आप लोगों ने, काइट एक्सपेरिमेंट सुना होगा। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग का क्या रिलेशन है, ये क्रेडिट ज्यादातर बेंजामिन फ्रैंकलिन जी को दिया जाता है। मेजरली काफी जगह आपको और नाम भी मिलेंगे क्योंकि इसकी खोज हुई थी, इट वाज नॉट इन्वेंटेड कि किसी एक पर्सन को बोल सकते हैं, बट नॉर्मली वी गिव इट टू बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर ऑप्शन में है तो। 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, इनमें से किसने खोज करा था पेनिसिलिन का? पेनिसिलिन का खोज इनमें से किसने करा था 1928 में? सितंबर में इसकी खोज की गई थी। लोकनाथ, अबीर, अंतिमा, बाकी सब आंसर्स क्विकली।
ये पहले भी कराया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल सही आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स को दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनको बहुत अधिक में डायबिटीज हो, तो मधुमेह के लिए जो इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये इंसुलिन की खोज किसने करी थी? मधुमेह के लिए जो इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। अभी तक 11 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। सुदीप, ध्रुव, अंतिमा, विश्वपूर्णा, कैलाश, सूर्या, सोनी, रेखा। ऑल राइट, आंसर 11th क्वेश्चन गलत है। आई चेक दैट वंस अगेन, आई गेट इट चेक। ऑल राइट, फ्रेडरिक बैंटिंग ऑप्शन ए इज द वन। बैंटिंग है जिन्होंने इसकी खोज करी थी। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय होम? ब्लड ग्रुप जैसे आप लोगों का है ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी, इसकी खोज किसने करी थी? यानी जो ब्लड टाइप आप लोगों को दिखता है कि ओ, ए बी और बी, ये खोज किसने करी थी? कि ब्लड के ग्रुप भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम इसको बोला जाता है। ये किसने खोज करी थी? ऑप्शन थ्री ज्यादा सबका, एंड जितने भी बच्चों ने ऑप्शन सी बोला बिल्कुल सही आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर इज द वन जिन्होंने एबीओ सिस्टम की खोज करी थी। बिल्कुल सही आंसर। माइक्रोवेव जो घरों में, ऑफिसेज में सब यूज करते हैं, माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव ओवन बनाया क्या, तैयार किसने किया था? माइक्रोवेव ओवन जो हम घरों में भी यूज करते हैं, ऑफिसेज में भी यूज करते हैं, इसको किसने बनाया था? आनंद, ध्रुव, नीलम, रेखा। ऑल राइट, चलो आई चेक इट वंस अगेन। एज आई सेड, आई चेक इट वंस अगेन एंड आई विल लेट यू नो, है ना, जो भी चेंजेस हैं आई लेट यू नो। आशुतोष, ध्रुव, महेश, सागर, गिव मी टाइम टिल टुमारो एंड आई विल चेक ऑल दैट। राइट ध्रुव, ऑल राइट, आंसर फॉर ऑप्शन ए एंड बी में कंफ्यूजन है। पर्सी लेब्रन इज द वन जिन्होंने माइक्रोवेव ओवन तैयार किया था या उन्होंने इस चीज की खोज करी थी। एलईडी, एलईडी बल्ब सब लोग यूज करते हैं। भारत सरकार ने स्कीम लाई है उज्ज्वला योजना, काफी स्कीम्स लेके आए हैं एलईडी के प्रमोशन के लिए, एलईडी सेल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एलईडी किसने खोज करी थी? लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ये किसने खोज करी थी? एलईडी की खोज श्वेता, रेखा, लोकनाथ, आशुतोष, श्वेता, ऑप्शन सी। और निक होलनाक इज द वन जिन्होंने एलईडी की खोज करी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, एयर कंडीशनर्स, एसी, जहां पे ऑफिसेज में बहुत नेसेसरी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, एयर कंडीशनर 1902 में बनाए गए थे, किसने बनाया था? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर किसी को गेस करना है तो किस पे गेस करेंगे? दिव्यंदु, यस, दो क्लास होती है 3 बजे और 9 बजे। ऑल राइट, आंसर आंसर ऑप्शन वन, ऑप्शन वन बिल्कुल सही। विलिस कैरियर इज द वन जिन्होंने एसी का इन्वेंशन किया 1902 के अंदर। राइट, ही इज द वन जिन्होंने अभी जो करंट एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनर्स है, उनकी खोज करी थी। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन वाइंड अप होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल और न्यूज इवेंट्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ, 9 बजे 9 PM पे, और 3 बजे प्रैक्टिस सेट होगा UP SSC वालों के लिए। तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, गुड लक विद योर प्रेपरेशन ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। तैयारी अच्छे से करते रहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। इस क्लास की टाइमिंग 9 बजे है और एक 3 बजे होती है प्रैक्टिस।